आज के और एक वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स Redmi Note 7 का। तो Redmi Note 7 जैसे कि आपको पता है Xiaomi का लेटेस्ट अपडेटेड वर्शन है, इसमें 10.2 स्टेबल वर्शन MIUI एंड उसमें ढेर सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ Redmi Note 7 फीचर्स का, वो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में कुछ और फीचर्स, इंटरेस्टिंग फीचर्स बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला सेटिंग हम देखेंगे सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी एंड डिस्प्ले साइज, मतलब कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मोबाइल कैसे रेजोल्यूशन मैंने इसका चेंज किया है। हालांकि रेजोल्यूशन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन डिस्प्ले साइज़ अगर चेंज करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सुपर हाई रेजोल्यूशन फ़ोन जैसा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है सिर्फ फॉन्ट साइज़ चेंज करने से नहीं होगा, लेकिन डिस्प्ले साइज़ करके भी है इसमें। तो उसके लिए हमें सेटिंग्स पर जाना है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को मैं दिखाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और वैसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए सेटिंग्स में आपको एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है, एडिशनल सेटिंग्स एंड यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। तो एक्सेसिबिलिटी में डिस्प्ले साइज़ करके है, हाँ ये वाला इंटरेस्टिंग देखिए, स्मॉल लार्ज लार्जर एंड डिफ़ॉल्ट, जस्ट प्लस पर टैप करना है। डिफ़ॉल्ट पहले ऐसा था एक्चुअली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते थे इतने बड़े बड़े आइकॉन्स, इतने बड़े बड़े फॉन्ट साइज़, तो इसको मैंने चेंज कर दिया था यहाँ से। तो डिफ़ॉल्ट था तो मैंने माइनस कर दिया एक साइज़ स्मॉल। अगर आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आई साइट है, तो ठीक से नहीं दिखाई देता है, बड़ा बड़ा साइज़ चाहिए फॉन्ट साइज़ देखने के लिए, तो ज़रूर यहाँ से लार्ज भी कर सकते हैं ताकि सारा आइकॉन हो या फिर फॉन्ट साइज़ हो, देखिए कितना बड़ा होता है। तो आपको आपके हिसाब से कैसे आप चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं स्मॉल रखूँगा कि सुपर हाई रेजोल्यूशन जैसा मोबाइल दिखेगा आपका डिस्प्ले। देखिए सब पूछेंगे कि कैसे है ये चेंज किया आपने, तो यहाँ पर है। एंड वैसे यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज़ भी है डिस्प्ले में, तो यहाँ पर सेटिंग्स पर डिस्प्ले में फॉन्ट साइज़ है, इसको भी आपको चेंज करके यस पर रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए एज़ यू कैन सी, एंड ढेर सारे फीचर्स जो है सिर्फ एक ही स्क्रीन में कवर हो जाएंगे, आपको बार बार बहुत सारा ऐसे स्क्रॉल करते हुए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे देखिए वेरी स्मॉल साइजेस एंड इवन आइकॉन्स एंड स्टफ जो है देखिए बहुत ही हाई रेज है, वैसे ज़्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट भी मिलेगा। एंड कुछ अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ढेर सारा चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही स्क्रीन में कवर होगा, तो इससे बहुत सारा फ़ायदा है। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, तो बहुत ही यूज़ होगा स्क्रीन रियल एस्टेट, तो ऐसे आप चेंज ज़रूर कीजिए। यह था पहला फीचर। तो अगला फीचर हम देखेंगे सेकंड स्पेस क्रिएट करना, मतलब कि अपने लिए एक प्राइवेट स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल में। तो इस चीज़ को आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड देखकर, फिंगरप्रिंट सेंसर को भी आप लगाकर, प्राइवेट एंड सेफ एंड सिक्योर। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो प्राइवेट स्टफ़ रहता है, जो भी आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर कहीं आप अपने बच्चों के लिए मोबाइल में कुछ ही गेम्स डाल के उन्हें देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं सेकंड स्पेस क्रिएट करके सेटिंग्स में दे सकते हैं, सिर्फ वहीं यूज़ करेंगे। आपका जो प्राइवेट स्टफ़ रहता है वो सेफ़ भी रहता है हमेशा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है एंड यहाँ पर जो है सेकंड स्पेस दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको टर्न ऑन सेकंड स्पेस करके आएगा, उसको टैप करना है एक बार। अभी मैं डिलीट करके आपको दिखाऊँगा नया क्रिएट करके, जस्ट मोमेंट। तो ऐसे टर्न ऑन सेकंड स्पेस करके आएगा, तो टैप करना है आपको क्रिएटिंग सेकंड स्पेस। तो बेसिकली दो मोबाइल डिवाइस यूज़ करने जैसा है, एक मोबाइल डिवाइस अपने लिए और एक मोबाइल डिवाइस अगर आप रिलेटिव्स को देते हैं या फिर किसी और को देते हैं बच्चों के लिए, तो सेपरेट अलग सा मोबाइल जैसा ही बनाकर आप दे सकते हैं। तो टू स्पेसेस वन डिवाइस, कंटिन्यू पर टैप करना है। अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड देकर सेफ रख सकते हैं, या फिर एक आइकॉन, छोटा सा आइकॉन बना सकते हैं यूजिंग ए शॉर्टकट, या फिर आप पासवर्ड भी दे सकते हैं, इट्स ऑल योर प्रेफरेंस। तो कंटिन्यू पर टैप करने के बाद अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं सेकंड स्पेस के लिए, सेट नाउ पर टैप करना है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करने के बाद देखिए सेकंड स्पेस अभी क्रिएट हो गया। तो ये सेकंड स्पेस जो है आप रख सकते हैं, अगर कोई भी स्विच करना चाहता है पहला स्पेस के लिए, देखिए रीडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर पासवर्ड देना पड़ता है ऐसा। तो फिंगरप्रिंट मैंने अभी कर दिया, तो स्विचिंग बैक टू फर्स्ट स्पेस। तो पहला कैसा था, जो भी चीज़ रहते हैं फर्स्ट स्पेस में वो वैसा ही उधर रहेगा, एंड जो चीज़ आप सेकंड स्पेस में रखेंगे वो वाला सब सेकंड स्पेस में ही रहेगा। तो ऐसे
यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो इसके वजह से वो प्राइवेट स्पेस भी हम कह सकते हैं। देखिए स्विचिंग टू सेकंड स्पेस, सारा चीज़ जो है नया मोबाइल कैसा वैसा है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस करके यहाँ पर आप फाइल मैनेजर में सारा चीज़ अपना स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ करके सेकेंड स्पेस बनाकर यूज़ कीजिए ज़रूर। तो नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे वन हैंडेड मोड, मतलब कि इतना बड़ा डिवाइस जो है यहाँ से हम फुल स्क्रीन को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते सिर्फ एक ही हाथ से। इवन दो मेरा हाथ जो है बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाता, तो क्या कर सकते हैं वन हैंडेड मोड यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ऐसे स्वाइप करूँ मैं तो वन हैंडेड मोड आसानी से पूरा का पूरा स्क्रीन जो है एक्सेस कर सकता हूँ ईजिली। तो ऐसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको जाना है फिर से सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स, एंड यहाँ पर जो है वन हैंडेड मोड, तो 4.5 इंचेस, 4 इंचेस, 3.5 इंचेस, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा, जितना बड़ा आपका हाथ है वैसे जितना रीच है उसके आधार पर बेसिस पर आप चेंज कीजिए। तो 4 इंचेस अगर रख के, अगर आप लेफ्ट हैंडेड से यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड में जाएगा वो, तो ऐसे आप ट्रांसफ़र करके यूज़ भी कर सकते हैं। नॉर्मल मोड जाने के लिए जस्ट डार्क प्लेन स्क्रीन जो है वहाँ पर एक बार टैप करना है आपको बस, यहाँ से एनेबल ऑफ़ एंड ऑन कर सकते हैं, अगर चाहिए तो ऑफ़, अदरवाइज़ आप ऑन करके वन हैंडेड मोड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला फीचर हम देखेंगे बटन एंड जेस्चर, तो बटन एंड जेस्चर को यूज़ करके आप शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो अगेन फिर से सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स में बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट्स करके है, यहाँ से लॉन्च कैमरा, टेक स्क्रीनशॉट, ये सारा चीज़ जो है इसको कस्टमाइज बटन आप दे सकते हैं। जैसे कि लॉन्च कैमरा के लिए मैंने डबल प्रेस दी पावर बटन रखा हूँ, मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो लॉक कर दिया है स्क्रीन, अभी डबल प्रेस दी पावर बटन तो इंस्टेंटली ओपन दी कैमरा यूज़र इंटरफेस, जैसे कि आपने देखा तो कैमरा झट से ओपन हो चुका है। ऐसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ से कस्टमाइज़ करके चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं रहेगा, तो इसके वजह से आपको सेटिंग्स पर जाना है, एडिशनल सेटिंग्स, एंड एडिशनल सेटिंग्स में बटन्स एंड जेस्चर्स, ये शॉर्टकट्स में आपको चेंज करना है लॉन्च कैमरा। वैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर आप थ्री फिंगर्स से स्लाइड डाउन थ्री फिंगर्स करेंगे तो स्क्रीनशॉट आएगा, ऐसा नहीं चाहते हैं, दूसरा टाइप का चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे ओपन स्प्लिट स्क्रीन भी है, तो स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने सेट किया हुआ है लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन, मतलब ये बैक बटन जो है मैं लॉन्ग प्रेस करूँ तो इंस्टेंटली स्प्लिट स्क्रीन पर चला गया, तो जो भी सपोर्टेड ऐप्स रहते हैं वो आप स्प्लिट स्क्रीन से यूज़ कर सकते हैं। अगेन टैप टू बैक, यहाँ से आप साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐसा कितना स्क्रीन रियल एस्टेट चाहिए। मान लीजिए ऐसे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं आप तो कैलकुलेटर यहाँ से ओपन कर सकते हैं एंड वैसे ब्राउज वहाँ से कर सकते हैं, तो वैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन को। यहाँ पर एग्जिट है, जस्ट टैप करने से एग्जिट हो गया। तो इतने सारे फीचर्स हैं, और भी ढेर सारे फीचर्स हैं, इसमें कवर करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है ये, इसके वजह से इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। तो अगले वीडियो में और ढेर सारे फीचर्स के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।